Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own YouTube channel, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer, engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. So engineers, आज हम जानेंगे cavity walls क्या होती है, उनको बनाने का purpose क्या होता है, उनके formation का process क्या होता है, and ये भी जानेंगे कि what are the basic components which are actually used to construct a cavity wall. So without wasting any more time, let's get started. So engineers, cavity wall के formation को जानने से पहले कुछ एक terminology है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. जैसे कि first terminology है हमारे पास thermal conductor. Material that are good conductor of thermal energy are called thermal conductor. वो material जो thermal energy को अपने में से dissipate होने देता, अपने में से travel होने देता through its molecule. जैसा कि सिंपल्स में आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ कैंडल है, कैंडल ब्लो की गई है, कैंडल की हीट को मॉलिक्यूल अपने में अब्सॉर्ब करते हैं और वो हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर किया जाता है. दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर एंड द एनर्जी विच दे आर एक्चुअली ट्रेवलिंग थ्रू देयर मॉलिक्यूल इज थर्मल एनर्जी. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड थर्मल कंडक्टर. सेकेंड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जान लेते हैं. जो हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो है थर्मल इंसुलेटर. लेट्स रीड इट आउट फॉर यू. मटीरियल दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी कॉल थर्मल इंसुलेटर. वो मटीरियल जो एनर्जी के डिसिपेट होने को, अपने में से ट्रेवल होने को अपोज करते हैं, दैट आर नोन एज इंसुलेटर. वो थर्मल एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, थर्मल एनर्जी को रजिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज थर्मल इंसुलेटर. गैसेज सच एज एयर एंड मटीरियल सच एज प्लास्टिक और वुड आर थर्मल इंसुलेटर. एयर एंड प्लास्टिक एंड वुड दीज आर नोन एज थर्मल इंसुलेटर, क्योंकि वो अपने में से किसी भी मॉलिक्यूल को हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते. That's why they are known as thermal insulator materials. जैसा कि आप डायग्राम में ईजिली देख सकते हैं, ये कोई वॉल है, वॉल के बीच में एक एयर स्पेस दिया गया. एयर स्पेस देने का रीज़न क्या है, ताकि इसमें से थर्मल एनर्जी आपस में ट्रेवल नहीं करे थ्रू इट्स मॉलिक्यूल. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज थर्मल इंसुलेटर. एयर को थर्मल इंसुलेटर क्यों बोला गया है, क्योंकि वो अपने में से थर्मल एनर्जी के मॉलिक्यूल को आपस में एनर्जी डिसिपेट या ट्रांसफर करने नहीं देती. दैट्स वाई एयर इज ऑल्सो कैटेगराइज एज थर्मल इंसुलेटर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इंजीनियर्स, अब बात करते हैं कि कैविटी वॉल. हमने बेसिक जान लिया कि इंसुलेटर क्या, कंडक्टर क्या होता है. लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक विच इज कैविटी वॉल. इट इज़ यूज टू रिड्यूस हीट लॉस बाय फिलिंग द एयर स्पेस विथ मटीरियल दैट स्टॉप हीट ट्रांसफर. जैसा कि हमने जाना है कि एयर एक थर्मल इंसुलेटर है, तो कैविटी वॉल में कैविटीज एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट की जाती है. दो वॉल्स को आपस में कंस्ट्रक्ट किया है, उनके बीच में कुछ गैप दिया जाता है, उस गैप का फिल भी कर सकते हो, प्लस उसे ब्लैंक आउट भी छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें एयर तो प्रेजेंट होनी ही होनी है. कैविटी वॉल में अगर आप दो वॉल्स के बीच में स्पेस अगर ब्लैंक भी छोड़ते हो, तो एयर उसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि थर्मल इंसुलेटर का काम करती है. दिस कैप्चर्स द एयर विद इन द कैविटी प्रिवेंटिंग हीट लॉस एंड रिजल्टिंग इन रिड्यूस हीटिंग लॉस. एयर एक थर्मल इंसुलेटर है, तो वो अपने में से हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे. हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो वॉल के एक साइड का पोर्शन, वॉल के अदर साइड का पोर्शन, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि थर्मल इंसुलेटर का वर्क कौन कर रहा है, एयर कर रहा है. आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ. सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी. एक खास ऑफर के साथ पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट. अभी कॉल करिए 9111001234 पर. सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. कैविटी वॉल अ वॉल कंप्राइजिंग ऑफ टू लीव्स, ईच लीव्स बीइंग बिल्ट ऑफ मेसनरी यूनिट एंड सेपरेटेड बाय अ कैविटी सो एज टू प्रोवाइड एन एयर स्पेस विद इन द वॉल एंड टाइड टुगेदर विद मेटल टाइज और बॉन्डिंग यूनिट टू इंश्योर दैट टू लीव्स एक्ट एज वन स्ट्रक्चरल यूनिट. इसमें एक वर्ड दिया गया है लीव्स. लीव्स से सीधा रिप्रेजेंट किया गया है वॉल को. दो वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है, पर वॉल को बोला गया है लीव्स. इन लीव्स के बीच में एक स्पेस को वैकेंट किया जाता है. वो वैकेंट अगर आप चाहो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, या वो फॉर्मिंग एजेंट जिसे हम उस गैप में फिल करके उस स्पेस को फिल कर सकते हैं. द विड्थ ऑफ कैविटी शैल नॉट बी लेस देन 50 mm एंड नॉट मोर देन 115 mm. जो कैविटी वॉल हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है एक्सक्लूडिंग द लीव्स, उसकी जो विड्थ है वो 50 mm एंड 150 mm इसके बीच में ही रेंज करनी चाहिए. 50 mm से कम नहीं होना चाहिए एंड 115 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैविटी वॉल की थिकनेस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ईच लीव ऑफ कैविटी वॉल शैल नॉट बी लेस देन 75 mm.
जो लीव्स है, जो आपने ब्रिक वर्क से जो वॉल कंस्ट्रक्ट किए उसे लीव्स बोला गया, उसकी जो थिकनेस है 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। द स्पेस बिटवीन द लीव्स बीइंग ईदर लेफ्ट एज कैविटी और फिल्ड विद नॉन लोड बियरिंग इंसुलेटिंग और वाटर प्रूफिंग मटीरियल। कैविटी वॉल में बीच में जो स्पेस आए उसे या तो आप फॉर्मिंग एजेंट से भर सकते हो या फिर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ एयर होगी, एयर एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा तो वो अपने में से थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देगा थ्रू इट्स मॉलिक्यूल। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे दो लीव्स हैं, इनकी 75 mm से ज्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए। इन दो लीव्स को आपस में किससे इंटैक किया गया है? मेटल टाई से इन दोनों को आपस में इंटैक किया गया है और इसके बीच में वैकेंट स्पेस को छोड़ दिया गया है। ये स्पेस चाहो तो फॉर्मिंग एजेंट से भर भी सकते हैं, क्योंकि नॉन लोडिंग मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। अब इंजीनियर्स जानते हैं कि मेटल टाइज क्या होती है। ये जो कैविटी वॉल्स के जो लीव्स है, दो वॉल्स कंस्ट्रक्ट किए, उनको आपस में इंटैक करके रखता है मेटल टाइज। दीज मे बी ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन, ब्रॉड आयरन, गन मेटल, ब्रास, कॉपर, स्टेनलेस स्टील और एनी सच कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल मेड अप ऑफ फ्लैट 20x5 mm क्रैंक और ट्विस्टेड एट देयर मिड पॉइंट विद एंड स्प्लिट एंड फिस टेल्ड। मतलब जो मेटल टाइल्स है वो इनमें से किसी भी एक मटेरियल का बना हो सकता है, उनको आपस में ट्विस्ट किया जा सकता है और एंड में जो टेल है उसे फिश के शेप में आगे मोल्ड किया जा सकता है। द टाई शैल बी बिल्ट इनटू हॉरिजॉन्टल बेड जॉइंट्स ड्यूरिंग इरेक्शन प्लेस स्लोपिंग टूवर्ड्स द एक्सटीरियर साइड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अलोंग इट फ्रॉम आउटर टू इनर लीफ साइड। जनरली जब टाई को कैविटी वॉल्स की जो लीव्स है उनके अंदर जब इंसर्ट किया जाता है तो थोड़ा सा एक स्लोप दिया जाता है, ताकि वाटर अगर आ भी रहा बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल रीजन तो स्लोप की वजह से डायरेक्टली वो स्ट्रेन आउट हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, वो कैविटी वॉल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेटल टाइल्स कैसे होती है, ट्विस्टेड मेटल टाइल्स होते हैं और इनकी टेल है फिश टेल्ड होती है। इनके जो साइजेस है वो जनरली रेंज करता है, जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वर्टिकल ट्विस्ट वॉल टाइप, इसकी जो लेंथ है 150, 200, 255, 305 mm लॉन्ग हो सकता है और इसकी जो विड्थ है वो 175 to 100 mm तक रेंज करती है। सेकंड क्या हो सकता है, बटरफ्लाई वॉल टाई, इसकी जो लेंथ है वो भी सेम है 150 to 200 के बीच में रहेगी, इसकी भी थिकनेस कितनी हो सकती है 75 to 100 mm की। थर्ड मेरा है डबल ट्राइंगल वॉल टाइल, इसकी जो लेंथ है सेम है 150 to 200 mm एंड जो थिकनेस है इसकी 65 mm। सो जनरली वॉल टाइल्स के जो डायमेंशन है इन लेंथ वो 150 to 200 हो सकते हैं और इनकी विड्थ है वो 75 to 100 mm या 65 इन केस ऑफ डबल ट्राइंगल वॉल टाइल हो सकती है। सो इंजीनियर्स अब आप जान चुके हैं कैविटी वॉल क्या होते हैं, लेट मी ब्रीफ आउट फॉर यू। कैविटी वॉल नथिंग बट इट्स अ वैकेंट वॉल, अ वैकेंट प्लेस इज लेफ्ट बिटवीन टू लीव्स, जिसका मेन पर्पज होता है थर्मल एनर्जी को एक्सटर्नल वॉल से इंटरनल वॉल के अंदर आने से रोकना थ्रू थर्मल इंसुलेटर विच इज अवर एयर। उस इंसुलेटर की आप नॉन लोडिंग फॉर्मिंग एजेंट भी उसमें डाल सकते हैं। सो होपफुली इंजीनियर्स यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज कैविटी वॉल एंड यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। सो इंजीनियर्स वी विल ब्रिंग यू मोर नॉलेजेबल वीडियोस लाइक दिस। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक एंड शेयर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।